Hello friends, welcome back. This is Rajkumar Yadav and we are going to see the next topic, that is sustainability of development. So let's start. Suppose for the present that a particular country is quite developed. We would certainly like this level of development to go up further or at least be maintained for future generations. मान लो present के लिए मान लो कि एक particular country है जो quite अच्छी developed country है, ठीक है? लेकिन हम ये भी चाहेंगे ना कि अब ये डेवलपमेंट थोड़ा और आगे जाए, थोड़ा और आगे बढ़े. एटलीस्ट कम से कम ये तो चाहेंगे कि डेवलपमेंट मेंटेन रहे ताकि फ्यूचर जनरेशंस भी एंजॉय कर सकें. दिस इज़ ऑब्वियसली डिज़ायरेबल. अब ये बात तो सच होगी ना, क्योंकि हमें ऐसी हमारी इच्छा होती है. हाउएवर सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी अ नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग दैट द प्रेजेंट टाइप एंड द लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल. लेकिन ये 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ से साइंटिस्ट लोग, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग ये वार्निंग दे रहे हैं कि अभी की जो डेवलपमेंट हो रही है ना, जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही है और जिस लेवल की डेवलपमेंट हो रही है, ये डेवलपमेंट फ्यूचर में मेंटेन्ड नहीं रहेगी. जैसे ताजमहल बन गया था, राइट, 400-500 साल पहले ताजमहल बना था, अभी भी हमें दिखता है ना, अभी भी है. तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अभी जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो डेवलपमेंट आगे के जनरेशंस, फ्यूचर की जनरेशंस उसको भी एंजॉय कर पाएंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है. ये ज़्यादा टिकने वाला नहीं है. और ये बहुत ही सही कहा है जिसने भी कहा है ये, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन. मतलब हमें अपने पूर्वजों से ये पूरी दुनिया नहीं मिली है, लेकिन हमने ये उधार ली है आने वाले बच्चों से. फिर यहाँ पे देखते हैं, एग्जांपल है एक ग्राउंड वाटर इन इंडिया. इंडिया में जो ग्राउंड वाटर है उसकी सिचुएशन यहाँ पे दिखाई गई है. बहुत ही नोटिस करने वाली बात है, जो अगले 10-20 साल में बहुत बड़ी सिचुएशन हो जाएगी इंडिया की, बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाएगी. रिसेंट एविडेंस सजेस्ट दैट द ग्राउंड वाटर इज़ अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ ओवर यूज़ इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो अभी जो फ़िलहाल की जितने भी रिपोर्ट्स हैं और सबूत मिले हैं, ये दिखाते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर की बड़ी समस्या आने वाली है, बहुत डेंजरस सिचुएशन आने वाली है. अबाउट 300 डिस्ट्रिक्ट्स हैव रिपोर्टेड अ वाटर लेवल डिक्लाइन ऑफ ओवर 4 मीटर्स ड्यूरिंग द पास्ट 20 ईयर्स. तो इंडिया में कम से कम 300 डिस्ट्रिक्ट हैं ऐसे जहाँ पे वाटर का जो लेवल है ना, ग्राउंड वाटर का लेवल 4 मीटर नीचे जा चुका है पिछले 20 साल के अंदर. Nearly 1/3 of the country is overusing their ग्राउंड वाटर resources. और कंट्री का 1/3 मतलब 33% कंट्री का हिस्सा ऐसा है जहाँ के लोग ग्राउंड वाटर को ओवर यूज़ कर रहे हैं. ओवर यूज़ करना मतलब ओवर एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, समझ लो पूरा ओवर यूज़ कर रहे हैं. और अगले 25 साल में क्या होगा, 60% ऑफ द कंट्री वुड बी डूइंग द सेम इफ द प्रेजेंट वे ऑफ यूजिंग दिस रिसोर्सेज कंटिन्यू. अगले 25 साल के अंदर अगर हम इसी तरह से जैसे हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं ना रिसोर्स को, वैसे हम यूज़ करते रहे, तो अगले 25 साल में ये हाल होगा कि हमारे कंट्री की 60% जो पॉपुलेशन है, जो है एरिया, वो पूरा इसी तरह की सिचुएशन को फेस करेगा, वो भी वाटर रिसोर्स को ओवर यूज़ करने लगेगा. ग्राउंड वाटर ओवर यूज़ इज़ पर्टिकुलरली फाउंड इन द एग्रीकल्चरल प्रॉस्परस रीजन्स ऑफ पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी. ठीक है, तो ये ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ कहाँ पर होता है, ज़्यादातर वो स्टेट्स जो एग्रीकल्चरली बहुत प्रॉस्परस है ना, जैसे पंजाब है, वेस्टर्न यूपी है, वहाँ के फार्मर्स, वहाँ के लोग ग्राउंड वाटर का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ओवर यूज़ कर रहे हैं. हार्ड रॉक प्लेट्यू एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, सम कोस्टल एरियाज एंड द रैपिडली ग्रोइंग अर्बन सेटलमेंट्स. तो सिर्फ और सिर्फ पंजाब और वेस्टर्न यूपी नहीं, लेकिन जो सेंट्रल और साउथर्न इंडिया के जो हार्ड रॉकी प्लेटू एरियाज़ हैं वो, और कोस्टल एरियाज़ कुछ, और हमारे शहरों की ये बढ़ती हुई आबादी जो है ना, बहुत तेज़ी से जो बढ़ रही है, ये सब भी ग्राउंड वाटर बहुत तेज़ी से यूज़ कर रही है. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है ग्राउंड रॉक के बारे में. ग्राउंड वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अब ग्राउंड वाटर एग्जाम्पल है ना, रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि जैसे ही बारिश होती है तो वही बारिश का पानी धीमे धीमे ग्राउंड में भी जाता है, और ग्राउंड वाटर को टाइम मिल जाता है, ग्राउंड वाटर में भी वो भी रिप्लेनिश होता है, उसका रिचार्ज होता है, वो रिक्रिएट होता है फिर से.
These resources are replenished by nature as in the case of crops and plants. तो ये resources replenish होते हैं किसके द्वारा, nature के द्वारा. जैसे crops है, plants है, ये लोग उसको use करते हैं, फिर से उसको और भी अपनी quality provide करते हैं. लेकिन however, even these resources may be overused. हो सकता है ये resources भी overuse हो जाए, right? Crops, plants ये सब. एग्जाम्पल के तौर पे अगर ग्राउंड वाटर का केस है तो उसमें अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, देखो बरसात का जो पानी है वो ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश कर देता है, मतलब फिर से भर देता है, ठीक है. अब जिस तेज़ी से, जिस स्पीड से रेन वाटर ग्राउंड वाटर को भर रहा है, उससे ज़्यादा स्पीड से अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो होगा क्या, तो यही रिसोर्स बचेगा ही नहीं. Then we would be overusing this resource. तो हम इस रिसोर्स को मान लो ओवर यूज़ कर रहे हैं. देखो मान लो एक नल है और नल की एक स्पीड से पानी आप एक बड़े से कंटेनर में भर रहे हो, ठीक है. अब जिस स्पीड से पानी अंदर आ रहा है, कंटेनर में भरा रहा है, उससे ज़्यादा स्पीड से आप पानी को निकाल रहे हो, तो होगा क्या, मतलब आप उस पानी को ओवर यूज़ कर रहे हो, ठीक है. ये एक सिंपल एग्जांपल दिया. तो जिस तरह से रेन वाटर ग्राउंड वाटर को भरती है, उससे ज़्यादा स्पीड से अगर हम उसको यूज़ करेंगे ना ग्राउंड वाटर को, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम ओवर यूज़ कर रहे हैं. तो वो बेचारा रिन्यूएबल सोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स होने के बजाय फिर भी वो धीमे धीमे कम होता जाएगा. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज़. ये तो आपको पता ही है ना, इन्हीं को नॉन रिन्यूएबल बोलेंगे, जो कुछ साल बाद ख़त्म हो जाएंगे. वी हैव अ फिक्स्ड स्टॉक ऑन अर्थ विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड. हमारे अर्थ पे जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, ये कुछ साल बाद इनका फिक्स स्टॉक है, कुछ साल बाद इनको हम यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, पूरे पूरे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इनको रिप्लेनिश करने में लाखों साल लग जाते हैं. वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज दैट वी डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर. तो हम लोग अभी भी नए नए रिसोर्सेज डिस्कवर कर रहे हैं जिनके बारे में हमें पहले पता नहीं था. न्यू सोर्सेज इन दिस वे ऐड टू द स्टॉक. अब नए नए रिसोर्स जब आते हैं ना, तो हमारा स्टॉक थोड़ा और बढ़ जाता है, हमारे पास अवेलेबल स्टॉक और हो जाता है. लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे ये भी. अब यहाँ पे एग्जांपल टू किसका दिया हुआ है पता है, नेचुरल रिसोर्सेज जो है ना, ऑयल, क्रूड ऑयल रिजर्व्स, जो हमारी पृथ्वी में क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल से हर टाइप के ऑयल्स रिफाइन होके आते हैं. तो यहाँ पे टेबल 1.7 में क्या दिया हुआ है, मिडल ईस्ट जो कंट्रीज है वो एज पर 2013 रिपोर्ट उनके पास कितना रिजर्व है, दिस इज़ इन मिलियन बैरल्स. तो 808.5 मिलियन बैरल्स जितना रिजर्व मिडल ईस्ट के पास है, और ये कितने साल तक चल सकता है, 78 ईयर्स तक चल सकता है. अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास कितना है, देखो 44,200 मिलियन बैरल्स, और ये अगले 12 साल तक चलेगा. और अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया के पास कितना बैरल है मिला के, 1,687.9 मिलियन बैरल्स, और ये अगले 53 ईयर्स तक चलेगा, राइट. तो ये ऊपर की जो टेबल है वो किसका एग्जांपल है, वो सिर्फ एक एस्टिमेट दिखाते हैं कि हमारे पास जितना भी क्रूड ऑयल रिजर्व है ना, वो एस्टिमेट कितना है. और इससे भी इम्पोर्टेंट ये हमें दिखाते हैं कि कितने साल तक ये क्रूड ऑयल चलेगा. अगर लोग जिस तरह से अभी यूज़ कर रहे हो, वैसे यूज़ करते रहे, तो कितने साल तक चलेगा. अब ये रिजर्व्स सिर्फ और सिर्फ 53 ईयर्स तक और रहने वाले हैं, ये पूरी दुनिया के लिए है, ठीक है. लेकिन अलग अलग कंट्रीज़ अलग अलग सिचुएशन फेस करती है. जैसे इंडिया क्या है, इंडिया ज़्यादातर डिपेंड किस पे करती है, इम्पोर्टेड ऑयल पे डिपेंड करती है. बाहर से जो ऑयल आता है उस पे ज़्यादातर डिपेंड करती है. क्यों, क्योंकि इंडिया के पास खुद के पास उतने स्टॉक नहीं है, उसके खुद का उतना रिजर्व, उतना उसके पास खुद का ऑयल है ही नहीं, राइट. बॉम्बे हाई में है लेकिन उतना नहीं मिलता कि पूरी कंट्री को चला सके, तभी तो हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं ऑयल को. अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते रहे तो ये हर एक के लिए क्या हो जाएगा, बोझ हो जाएगा, क्योंकि ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो वो प्राइस हमें पे करना पड़ेगा, और एक तरीके से वो हमारा बर्डन हो जाएगा ना. और बहुत सारी कंट्रीज हैं जैसे कि यूएसए, इन लोगों के पास अब रिजर्व्स कम बचे हैं,
और इसीलिए ये लोग अपने ऑयल को सिक्योर करना चाहते हैं मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर से। तो जिन कंट्रीज के पास ऑयल कम है तो वो लोग जहाँ पे भी ऑयल देखते हैं ना वैसी जगहों को वो लोग सिक्योर करना चाहते हैं अपने लिए। तो ये कैसे कर पाते हैं? मिलिट्री पावर की हेल्प से, कहीं पे अपनी मिलिट्री पावर दिखा के उनको उस एरिया को कब्जा कर लिया, या फिर अपनी इकोनॉमिक पावर के दम पे वहाँ के रीजन में जहाँ पे ऑयल मिल रहा है वहाँ पे अपना कब्जा करना चाहते हैं लोग। अब जो क्वेश्चन है सस्टेनेबिलिटी का, कि इस डेवलपमेंट का सस्टेनेबल इंडेक्स या फिर सस्टेनेबल मेजर, ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि नहीं, तो ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल नए नए इश्यूज खड़े हो जाते हैं दुनिया में नेचर को लेकर और प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को लेकर। अगर आप डेवलपमेंट की सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करते हो तो बहुत सारी ऐसे नए नए इश्यूज आपको जानने को मिल जाएंगे हमारे नेचर के लिए और हमारे प्रकृति के लिए और ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है इसके ऊपर। इसके बाद क्या है? इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट पेज है ये। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है? मतलब इफेक्ट्स, रिजल्ट्स। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज। देखो, एनवायरमेंट को अगर आप बर्बाद करोगे, कुछ भी होगा, तो एनवायरमेंट किसी पर्टिकुलर देश को देखती नहीं है, ना ही किसी बाउंड्री को देखती है। अगर एनवायरमेंट खराब होना स्टार्ट हो गई, हमारी दुनिया खराब होना स्टार्ट हो गई, तो किसी भी देश पे आफत आ सकती है और किसी भी स्टेट पे कुछ भी हो सकता है, राइट? प्रकृति ये नहीं देखती ना कि ये इंडिया है, ये पाकिस्तान, ऐसा कुछ नहीं। अब ये जो इशू है ये एक देश का इशू नहीं है या ना ही एक इलाके का इशू है, ये पूरी पूरी दुनिया का इशू बन चुका है। हमारा जो फ्यूचर है वो इसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो डेवलपमेंट की अगर सस्टेनेबिलिटी, मतलब डेवलपमेंट आगे जाके फ्यूचर में भी रह सके, मेंटेन हो सके, वो सस्टेनेबिलिटी एक एक इसके बारे में बात करना, ठीक है? डेवलपमेंट की सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करना ये हमारे लिए बहुत एक नया एरिया है नॉलेज का बहुत सारी कंट्रीज़ में, जिसके लेकर साइंटिस्ट लोग, इकोनॉमिस्ट लोग और फिलोसोफर्स लोग और बहुत सारे दूसरे जो सोशल साइंटिस्ट लोग हैं वो सब मिलके इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और इन जनरल अगर देखा जाए तो जो डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, डेवलपमेंट या तो प्रोग्रेस, दोनों का मतलब एक, तो ये जो डेवलपमेंट का क्वेश्चन है ये तो एवरग्रीन क्वेश्चन है। पेरेनियल का मतलब एवरग्रीन क्वेश्चन, कि कैसे डेवलपमेंट हो और फ्यूचर की जनरेशन भी सिक्योर रहे उससे। और हमेशा एट ऑल टाइम्स एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड एज इंडिविजुअल्स वी नीड टू आस्क वेयर वी वॉन्ट टू गो। हम इस बड़ी सोसाइटी के मेंबर हैं, राइट? तो एज ए इंडिविजुअल भी हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें हमारी इच्छा क्या है, हमें क्या बनना है और हमारे गोल्स क्या हैं। सो द डिबेट ऑन डेवलपमेंट कंटिन्यूज। इसीलिए जो डेवलपमेंट का डिबेट है ना ये कंटिन्यू रहता है, क्योंकि इसके ऊपर बहस चलती रहती है कि हमें क्या करना है, क्या करना है, क्या पाना है, कहाँ जाना है, हमें हमारे गोल्स क्या हैं। उसी के बेस पे हम देखते हैं ना कि हाँ, हमारे लिए गोल्स जो होंगे वही होगा ना डेवलपमेंट। दैट्स इट चिल्ड्रन। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, दिस बिग चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैप्टर चिल्ड्रन। गॉड ब्लेस यू ऑल। इफ यू हैव एनी डाउट और एनी सजेशन जस्ट लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। दिस इज राजकुमार यादव साइनिंग ऑफ। बाय।